नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वरगनी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को कब मिलना चाहिए। तो कार्डियोलॉजिस्ट को बेसिकली क्या करते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां है उनका इलाज करते हैं। तो उसमें कुछ टेस्ट होती है, जैसे ECG, ट्रेडमिल टेस्ट, 2D को होल्टर मॉनिटरिंग, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर और बाकी के जो एडवांस इंटरवेंशन होते हैं, वल्वुलर हार्ट की जो स्टडीज़ होती है, वल्वुलर हार्ट के जो कैथेटर इंटरवेंशन होते हैं, वो सब चीज़ें कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को कब मिलना चाहिए, इसमें अगर आपको कुछ सीने में दर्द हो, घबराहट हो, पसीना आ रहा हो, या चलते समय सांस फूल रही हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी धड़कन अचानक से बढ़ रही है, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। या पहले से आपको ब्लड प्रेशर हो और जो अभी अनकंट्रोल्ड हो गया हो, यानी आप 2-3 दवाइयाँ खा रहे हो तो भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा हो, या आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो और कोलेस्ट्रॉल आपका हद से ज़्यादा बढ़ने लगा हो, अनकंट्रोल्ड, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। आपकी एंजियोग्राफी हो चुकी हो, आपको एंजियोप्लास्टी या कोई प्रोसीजर करनी है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बेसिकली आपको ये सब चीज़ों में परामर्श देते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जो भी प्रोसीजर या ऑपरेशन आप जिसे कह सकते वो करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं मोटा मोटी जिसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। थैंक यू।